हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारी जो भी बेस्ट बुक्स हैं और जो भी बेस्ट ऐप्स हैं उन सब के बारे में, कि अगर आप अपनी तैयारी नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं या आप डेड एंड पे हैं या पीक पॉइंट पे हैं एकदम, तो कौन कौन से बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए जो कि आपको एक बार में सिलेक्शन दिला सके। तो वो कौन कौन सी बुक्स हैं, किस किस एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ के साथ में, यानी क्वांटिटेटिव्स। क्वांटिटेटिव्स की अगर बात कर ली जाए तो अगर आप एकदम नए हैं, एकदम फ्रेशर्स हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सजेस्ट रहेगी, सबसे पहले नंबर वन पे आती है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल एक ऐसी बुक है जो कि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को हर तरीके से क्लियर करने में हेल्प करती है। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, तो इसी के पैरेलल में सेकंड जो बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है अड्डा 247 की एस क्वांट। इस क्वांट बुक की प्रॉपर्टीज़ ये हैं या बेनिफिट्स या अच्छी खूबियाँ ये हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो तीन टाइप से रखे गए हैं। पहला टाइप कहता है आपका फंडामेंटल, दूसरा टाइप होता है मॉडरेट और तीसरा होता है डिफिकल्ट। यानी सारे के सारे क्वेश्चंस को तीन पार्ट पे बांटा गया है जो कि आपकी एक्सपर्टीज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तीसरी बात हम बात करेंगे, देखिए बैंकिंग एग्जाम्स में मैथ में DI का सेगमेंट 70% होता है और अर्थमेटिक का सेगमेंट होता है 30%, तो आपको DI के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए उनकी अड्डा 247 की अ कंप्लीट DI एंड एनालिसिस बुक आती है एक अलग से, वो आप यूज़ करिए। उसमें हर टाइप की DI सेपरेट बाय सेपरेट दे रखे हैं और DI को करने का तरीका ये होता है कि जिस टाइप की DI उठाएं, पहले आपने पाई चार्ट उठाया तो पाई चार्ट को एक सिरे से कर डालिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लीजिए। आपने अगर बार ग्राफ उठाया तो बार ग्राफ के आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है DI को अटैम्प्ट करने का और इस पर कमांड करने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आती है अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बुक हाई लेवल कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको चार बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, RS अग्रवाल फंडामेंटल के लिए, AS 247 मॉडरेट टू हाई लेवल के लिए, DI के लिए स्पेसिफिक बुक आती है DI एनालिसिस एंड अरुण कुमार शर्मा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति और तर्क शक्ति का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कॉमन सेंस की अप्रोचेस को बहुत अच्छे से समझ पाना। उसके लिए हम पहली जो बुक सजेस्ट करूंगा मैं वो है AS 247 की ही रीजनिंग, AS रीजनिंग। यहाँ पे भी आपको अगेन क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को उनके डिफिकल्टी लेवल को तीन पार्ट में ब्रेक किया जाता है, फंडामेंटल, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो ये बुक कहलाएगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एज लाइक इन मैथ DI आती है 70%, तो रीजनिंग में पजल का पोर्शन जो होता है वो वेटेज 70% के अराउंड रहता है। तो पजल के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा एक्सपर्टीज कमांड के लिए K. Kundan की पजल मैजिकल बुक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसको भी कर चुके हो और आप हाई लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से पजल मैनिया एक बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है आपकी अड्डा 247 की पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आप पूरी चाहते हो कि आपके पास एक सिरे से मतलब बेसिक से आप स्टार्ट करना शुरू करते हो तो यहाँ तक आते आते एकदम आप फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेने के लिए अपनी तैयारियाँ पूरी कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंडिया की, चूँकि लोकल लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है या कुछ भी लैंग्वेज होती है पर पेपर इंग्लिश में आते हैं और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट वो इंग्लिश ही होता है, तो इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको सबसे पहले नंबर वन पे आती है अशोक कुमार सिंह की अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। एक ऐसी परफेक्ट बुक है जो कि आपको इज एम आर से लेके ए एन द, यानी आर्टिकल, कॉमन वर्ब, टाउन्स, प्रोनाउंस, सब कुछ, कॉमन एरर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रामर को गजब के तरीके से समझाया गया है। तो ग्रामर को आपको मजबूत करने के लिए आपको सजेशन करना चाहूँगा सबसे पहले बुक अशोक कुमार सिंह की अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। सेकेंड आती है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नीतू सिंह की अ प्लेंथ टू पैरामाउंट। ये बुक गजब की है, कॉम्पिटिटिव लेवल से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसी अप्रोचेस हैं, बहुत गजब कर देती है। थर्ड है वोकैब, वोकैब के लिए नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक अपने आप में वोकैब का भंडार है और सबसे ऑसम बुक है। फोर्थ नंबर में न्यूज़पेपर,
रेगुलर बेसिस पे आप जितनी न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे, जितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जितने एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो इंग्लिश के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, अशोक कुमार सिंह की अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, प्लेंट टू पैरामाउंट वाया नीतू सिंह, नॉर्मन लुइस की वर्ल्ड पावर मेड इजी एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, कोशिश करिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रहें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीए के लिए यानी जर्नल अवेयरनेस के लिए, मैं आपको चार बुक्स प्रेफर करूंगा, इसमें से कुछ तो ई बुक्स हैं। तो ई बुक्स में सबसे पहले आती है एग्ज़ाम टाइम पे कैरियर पावर या बैंकर्स अड्डा 247, हर बार एग्ज़ाम से ठीक एक महीने पहले निकालता है बैंकिंग कैप्सूल। अल्टीमेट आप मान के रखिए, स्टैटिक हो चाहे बैंकिंग अवेयरनेस हो, हमारा जो जीए होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है, बैंकिंग, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। ये एक महीने पहले की जो कैप्सूल आती है, ये आप मान के रखिए जीए में 40 में से 30 प्लस मार्क्स की गारंटी करा देता है। सेकंड नंबर पे एक बुक आती है महिंद्रा की इंटरव्यू क्रैकर, ये आपके बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऑसम बुक है, आपको मार्केट में मिल भी सकती है। थर्ड नंबर पे ऑलिव बोर्ड की एक ई बुक आती है बैंकिंग बोल्ड, गजब की बुक है, स्टैटिक डायनेमिक सब कुछ डेटा दे रखा है ऑसम लेवल पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जीए के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द हिंदू के इकोनॉमिक सेक्शन, आप कोई भी बुक लीजिए, कोई भी ऐप लीजिए, उनके इकोनॉमिक सेक्शन पे फोकस करेंगे तो आपकी कमांड जीए में बहुत गजब की होगी, क्योंकि अब जो जीए आती है वो बैंकिंग के संग संग इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के साथ आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर की, क्योंकि आरआरबी में मेंस में एक सेगमेंट कवर होता है कंप्यूटर की तरफ से। तो कंप्यूटर की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए आपको ई बुक्स, क्योंकि कंप्यूटर को मैं हैंडबुक्स से कह सकता हूँ, अगर आप एकदम नए हैं और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो नंबर वन पे बुक आती है लूसेंट, लूसेंट की कंप्यूटर बुक आप ले सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया गया है। सेकेंड आती है अड्डा की कैप्सूल, कंप्यूटर कैप्सूल आती है एक बुक, 40 to 60 पेजेस की बुक्स, सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक समझाए गए हैं। नेक्स्ट आती है ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज, उसको आप देख सकते हैं, उसके अलावा ऑलिव बोर्ड की कंप्यूटर अवेयरनेस बोल्ट सीरीज, इस सीरीज को भी आप देख सकते हैं, ये सीरीज भी आपको 60 to 70 पेजेस में पूरे कंप्यूटर के वो क्वेश्चंस करके देगी या वो कॉन्सेप्ट समझाएगी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे आती है बीएससी सर्विसेज की यानी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की एक ई बुक आती है, जिसमें 700 क्वेश्चंस हैं, 700 क्वेश्चन सीरीज, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे आराम से मिल जाएगी, उसको कर लेंगे आप तो कंप्यूटर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस आपके होगा। इसके बाद हम बात करने चाहेंगे ये कि ये तो सारी चीज़ें थी आपकी तैयारी के लिए बुक्स एंड कॉन्सेप्ट, अब आता है वो टाइम जो एग्ज़ाम से ठीक एक महीने पहले का होता है यानी अभी का टाइम। तो उस समय पे आपको देने होते हैं मॉक्स, और मॉक बहुत सारे चैनल्स बहुत टाइप के मॉक कराते हैं, किसी का लेवल ये समझ में नहीं आता बच्चे को कि सर ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। एक बच्चा एक में प्री देता है तो 70 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 80, एक बार किसी और का प्री देता है तो 40 आते हैं, वो घबरा जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक सोर्स बताता हूँ, देखिए सबसे बेस्ट मॉक होते हैं आपके कुछ पांच ऐप्स हैं जिनसे मैं बताना चाहूँगा। एक करंट अफेयर्स के लिए ऐप है टेक्स्ट बुक का करंट अफेयर्स ऐप, जिसका लोगो आपको दिख जाएगा, यही ऐप 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। सेकेंड हम आप बात करें अगर मॉक के लिए तो अड्डा 247, ये आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज के साथ साथ डेली क्विज देता है एंड मॉक देता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थर्ड नंबर पे आता है ग्रिड अप, टाइम्स ऑफ इंडिया का करंट अफेयर्स अल्टीमेट क्विज अल्टीमेट। नेक्स्ट आता है आपका ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड का एक अपना ही स्टैंडर्ड है, एक टॉप का लेवल है, जो कि पीओ मेंस के लेवल पे बहुत बढ़िया बुक्स और आपको क्विजेस कराता है। नेक्स्ट एक अभी नई ऐप आई है प्रैक्टिस मॉक, उसके भी मॉक एक अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। तो ऐप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सजेशन देना चाहूँगा मॉक के लिए, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247, ग्रेड अप और प्रैक्टिस मॉक। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी एक मॉक पे डिपेंडेंट मत होइए या एक बैड ऐप पे डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि हर एक का कोई भी एक सिंगल आप क्राइटेरिया लेके नहीं चल सकते हो। वो कहा जरूर जाता है कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, पर इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि एक बड़ी नाव में छोटी नाव भी रखनी चाहिए।
तो ये सारे आप कई सारे सोर्सेस को रिवील करिए, सोर्सेस को रीड करिए, एक साथ कई सारे सोर्सेस को पढ़िए और कई सारी नॉलेज को अपनी इकट्ठे करिए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको बस बेस्ट ऑफ लक आपके सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के संग शेयर करिए और उन्हें सजेस्ट करिए कि क्या वो सही वे में तैयारी कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।